चाहे गरीब को मरवा रहा है या पटरी वालों मरवा रहा है, दुकानदारों मरवा रहा है, मरवा मजदूर आदमी जा रहा है, बाकी नेता लोग कोई ना मरेगा आपस में, ये सब राजनीति का ही खेल हो रहा है और कुछ नहीं है। बाकी इसको तार को जो फंसा रहे हैं वो गलत फंसा रहे हैं, गलत फंसा रहे हैं। क्यों? तार तो अपने बच्चों को बचा के और पुलिस की कंजिटी में दे के घर को अपना सेफ्टी में, और वो यहाँ से निकल गया है। अब औरों को भी उठाया जा रहा है तो बेमतलब उठाया जा रहा है, और ये भी सुन रहा भाई मुसलमानों के लड़के उठाए जा रहे हैं, बाकी जो मार रहे हैं सिर्फ बिहार पूरी वीरान कर डाली, ब्रजपुरी पूरी वीरान पड़ रही है, कोई किसी को ना पूछ रहा है, भूखे प्यासे बिलबिला रहे हैं, कोई नाले में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, तो मानने वाले भी तो यही हैं, बाहर से मंगाए और अफवाह फैला दी, आपस में लड़वा दिए, अब एक आपस को एक दुश्मनी दुश्मनी निकाल रहे हैं एक दूसरे से, वो उसको पकड़वा रहे हैं, वो उसको पकड़वाएगा, मगर ये है तो ये सियासत चल रही है बेटे, दिल्ली की सियासत जो है, जब दिल्ली खेल बिगड़ गया तो हिंदुस्तान क्या चीज़ है? क्यों? हिंदुस्तान की एक राजधानी दिल्ली है और जाई में सियासत बैठी हुई है, जाई में सब नेता बैठे हुए हैं, सब ये काम सब नेता को और बच्चों को बुढ़े को सबको पता है कौन राजनीति खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको मालूम है। गृह मंत्री तो इस पर ये कह रहे हैं कि हमने 36 घंटे में इसको रोक लिया, काबू कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने काबू? सबको मरवाने के बाद काबू करा है ना, लुटवाने के बाद, अब देखो ये रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ कि मेरी दुकानदारी ना हो रही, मैं अपने बच्चों को लेडी से कमा खवा रहा हूँ, ये अपनी दुकान से कमा रहे हैं, अब ये भी था इनके पास पूंजी सब खत्म हो गई, अब किससे मांगे, ये किससे लें, कौन रिश्तेदार ऐसा है जो 20-25 लाख रुपए दे देगा इन्हें, या कौन सी सरकार है ऐसी इनको 20-25 लाख दे देगी, 2-4 लाख अगर दे भी देगी थोड़ा सा हिल्ला हो जाएगा, उससे जोड़ बटोर खड़ी जाएगी, जो 20 साल से कमाया था वो 20 साल में एक दिन में 2 घंटे में ख़त्म हो गया इनका। इतना नुकसान होने के बाद भी जो है इस दंगे, अभी राजनीति खत्म ना हुई है, इसमें नुकसान को भी जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की जा रही है, वो की तो नो जा रही है ना, तो भाई मुसलमान तो एक मजदूरी ज़्यादा है, हर काम के अंदर मुसलमान नीचे है, पोस्ट पे कोई मुसलमान नहीं है, ना कोई नेता करती, पर छोटे छोटे विधायक बन गए, इनसे क्या है, अब खचेड़ तो लिया उसको भाई, एक बन गया छोटा सा ही नेता है झाड़ू लगाने वाला, और क्या है वो कौंसल ही तो है, कोई विधायक थोड़ी हो गया है, या कोई लंबा चौड़ा कोई प्रधानमंत्री बन गया कोई मुसलमानों में, जो बना के उसको बना दिया टेट, अब उसके ऊपर खेल खेला जा रहा था जी, भाजनपुरा या चांदबाग या मुस्ताबाद सबको रफेड़ रहा है, मंगाने वाले तो कोई और है, करने वाले कोई और है, भुगतने वाले कोई और होंगे, हमें तो ये दिख रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा और ये ठाकुर वगैरह, इन्होंने भी तो ऐसे बयान दिए, इसके बाद ही तो क्या लगता है आपको? ये बयान कपिल मिश्रा ने तो दिए, बताते हैं सुना हमने टीवी में भी देखा था जिस दिन वो है, और एक औरत है जो लंबे लंबे डंडे हों मोटे मोटे डंडे हों, हम तो हाँ जो भी है वो भी तो गाली भाग के धरना धरे बैठी थी वहाँ के जाके, तो झगड़े वाले तो हिसाब ही है, आप इधर खड़े हो गए आज मैं इधर खड़ा हो गया, तुम मुझ में मार रहे हो मैं तुम में मार रहा हूँ, बाकी बाहर के लोग मजे मार के निकल गए, बात तो यहाँ आ रही है भैया, और कुछ नहीं है, गरीब मारे और कुछ नहीं है, राजनीति का खेल है गरीब मारे, अगर 50 आदमी मर गए और 50 वोट ही तो कम हुए उनके, कोई सारे वोट थोड़ी कम हो गए है भाई, भाई 50 आदमी मर गए 50 ही तो वोट कम हो गए, बाकी जो बच्चे उनके पूछो इनके मरे हैं, बेटा मरा है किसी का, बाप मरा है किसी का, भैया मरा है किसी का, दादा मरा है किसी का, पोता मरा है, भाई उनके दिल से जाके पूछो क्या बीतेगी उनको, उनको कौन खिलाएगा, जो कमाने वाले थे वो ख़त्म हो लिए, अब कौन खिलाएगा, अब भीख मांगेंगे या कोई गलत कदम उठाएगी औरत क्या कर, कहाँ से बच्चे पालेगी अपने, साता कोई आजकल बहन भाई को कोई नहीं करता भाई साहब, सोन में एक आदमी होता है जो करता है ना, कोई नहीं करता, सब ऐसे ही मांग खाते हैं अपने गुजारा करते हैं, क्या करेंगे, अब मैं ही हूँ मेरी, अब मेरी रेड़ी ये लुट जाती पिट जाती तो मैं क्या करता, मैं रोता ही हूँ बैठ के, कौन देता मेरे को, कोई नहीं देता, इसी से पेट पाल लिया हूँ, इसी से खिला रहा हूँ बच्चों, एक लड़का मेरा घर में बीमार पड़ा जिसको फालस है, सरकार को क्या दुनिया को दिखा लिया, GTB लो पंथ में लो सब में दिखा लिया, देसी दवाई से लो टट्टी चारपाई पे कर रहा है, मेरी मजबूरी है जो मैं रेड़ी लगा के अपने बच्चे पाल लिया हूँ, क्या करूँ, क्या इस दंगे को हिंदू मुस्लिम में बांटने की अब भी जरूरत बाकी रह गई है कि किसका नुकसान? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो राजनीति वाले ही बता सकते हैं
क्या बांटेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पब्लिक को दिल्ली में रखेंगे या ना रखेंगे, भगाएंगे, क्या करेंगे मजदूर को? मजदूर तो सारे भाग गए, अब जो छोटे छोटे पूंजी वाले हैं वो रह गए अपने, या बड़े बड़े आदमी रह गए भाई। कारोबार पे कितना असर पड़े? कारोबार में मैं कम से कम 8-7 हज़ार की दुकानदारी करता था फ्रूट में, कल मैं 1400 रुपये ले गया हूँ, 400 रुपये मेरे घर में चले गए, 1000 रुपये रह गए, माल वाले के पैसे दूँ या बच्चों को खिलाऊँ, कहाँ से खिलाऊँ भाई, परेशानी तो आ रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ? नाम तो मैं सुब्राती है, यही गली में, इसमें ही 2 नंबर में ही मुना नगर की। उन लोगों से क्या अपील करोगे जो गुमराही के रास्ते पे निकल गए और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, नेताओं के चक्कर में आके आपस में लड़ने की? वो क्या है, वो तो उन्हें तो 2-4 हज़ार रुपये दिए होंगे, दारू के पैसे दे दिए होंगे, और क्या हो गया, वो तो करके चले गए अपने काम। अब पकड़ के लाए पुलिस ना लाए वो तो उनकी मर्जी है। हमें ये भी सुनने आया था मुसलमानों के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, हिंदुओं कोई नहीं पकड़ा जा रहा, वो तो थाना जाने हैं या भैया सरकार जाने, क्या कहता है क्या पता है, कुछ नहीं कह सकता मैं इस बात में। और राजनीति तो राजनीति है, ये तो चलती चली आई और चलती चली जाएगी, ये तो एक दूसरे का दुश्मन बनाने वाली बात हो रही है और कुछ नहीं है। भाईचारा था यहाँ बहुत दिन का, भाईचारा था वो ख़त्म हो गया है, अब क्या पता कब तक भर पाएगा। अगर माहौल सही रहा 2-4 साल या 10 साल तक नहीं भर पाएंगे, बहुत से लोगों के दिल फट गए, फटने वाली बात ही है ये, और क्या है। अब उधर से 23 तारीख को कम से कम 500-600 आदमी था, जब इनकी दुकान बंद कराई मैं रेडी लेके भागा हूँ, जय सिया राम करते हुए आ रहे, हल्ला मचाते हुए। फिर लोग तो देखते ही हैं भाई, जब 4 आदमी खड़े होते हैं, 4 आदमी देखते भी हैं खड़े होकर, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है। मैं तो यहाँ से भाग गया 23 तारीख अपनी ठेली लेके, बाकी 3 तारीख को आके खड़ा हुआ, ये भी मिल गए मेरे को, ये कहने लगे चाचा हमारी हिम्मत बनी रहेगी, आप ठेली यहीं ले आओ, तो मैंने फिर लगाई आके यहाँ पर भाई, यही गुजर बसर है भैया, हमारी कोई बिजनेस नहीं है, ठेली के बिजनेस है। ज्ञानेंद्र कुमार नाम है। जिस तरीके से ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है, साफ तौर पर पूरा जिम्मेदार उसी को बनाया, कैसा रवैया रहा है ताहिर हुसैन का आपको? ताहिर हुसैन के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, वैसे तो मैंने उसे 1.5 साल में कभी देखा नहीं, लेकिन ये है कि ताहिर हुसैन यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि भाई किसी को लीड कर रहा है या किसी के बारे में किसी को कह रहा है मारो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार नज़र आया वो यहाँ पे लोगों को समझाता हुआ नज़र आया, पुलिस के साथ था, बाकी इससे ज़्यादा क्योंकि ताहिर को मैं जानता नहीं, ताहिर को मैंने सिर्फ फ़ोटो में ही देखा है, तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं नज़र आया कि भाई उसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही या जो जैसे चैनल्स में फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसकी छतों पर जो है पेट्रोल बम और गुलेल और कई तरीके की चीज़ें बताई गई जिसके बाद निशाना बनाया जा रहा है। देखिए मोहन नर्सिंग होम ही यहाँ पर ऐसा है कि जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी ना, तो जो पत्थर और जो इस तरह की चीज़ें थी ना, वो तो आपको हर छत पे मिल जाती हैं जी, अगर आप उस समय आते तो। हर आदमी इनसिक्योर था, तो किसी ने क्या कर रखा था, कोई डंडा लेके घूम रहा था, किसी को पाइप मिल गया वो पाइप ही लेके घूम रहा था, तो हर आदमी अपने आप को सेफ कर रहा था। वो किसी को मारने के लिए मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसके मतलब डंडा था, डंडा यहाँ हर आदमी के हाथ में था, तो उससे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लीड कर रहा हो उस मॉब को या कोई उसे चला रहा हो, ऐसा नहीं था। एक मॉब थी जो अनजान थी बिल्कुल। अंकित शर्मा आईबी का जो कर्मचारी था, उसके घर वालों ने एफआईआर कराई है, उसके बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली अंकित, उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं। मतलब एक ये माना जाए कि उसको सिर्फ बताया जा रहा है, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, क्योंकि ताहिर का जो हमने सुना था कि भाई वो जैसे वो यहाँ समझाने आया सबको, तो उसके बाद वो भाग गया था, वो अपने आप को ही बचाता फिर रहा था। ये 24 तारीख की बात है शाम की, तो ताहिर हुसैन तो मतलब ऐसा नहीं नज़र आया कि भाई कोई वो नेता है और बड़ा वो अपना रोल प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं। एक छोटा सा सवाल, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसको बीच में छोड़ा है, आम आदमी पार्टी को क्या एक्शन लेना इसमें चाहते हैं?
आम आदमी पार्टी को जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका पूरा साथ देना चाहिए, उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक उसकी आसपास जो पिक्चर है, इनोसेंट पर्सन है वो, मतलब नेता होने के बावजूद आम आदमी की तरह ठीक आदमी है वो, मतलब ऐसा उसका कुछ नहीं है। मतलब अरविंद केजरीवाल को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्या साबित करने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि ऐसी घड़ी में जहां बीजेपी अपने लोगों का साथ देती है और आम आदमी पार्टी? ये तो खैर अब उनका पर्सनल मैटर है कि केजरीवाल जी क्या सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन हाँ ये है कि मतलब साथ नहीं छोड़ना चाहिए उसका।